जबलपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, नर्मदा घाट किनारे अवैध शराब बिक रही है, स्मार्ट मीटर के नाम पर वसूली की जा रही है, बीजेपी के नेता अवैध रेत का कारोबार चला रहे हैं, बीजेपी के नेता खुद अपनी सरकार से नाराज हैं। जो स्मार्ट मीटर है हमारे यहाँ की जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, सभी कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन समय समय पर करते आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगना है, तो चेक मीटर पूरे आपके जबलपुर में नहीं लगे, तो ये प्रदेश का बड़ा महाघोटाला होने जा रहा है। इसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किससे कमीशन लिया, एक जांच का विषय, उसको हम अगले विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कोई अवैध गतिविधि नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से मां नर्मदा को लेके रेत अवैध उत्खनन हो रहा है, खुलेआम मशीनें चल रही है, खुलेआम मंत्रियों के समर्थकों की मशीनें चल रही है, खुलेआम नर्मदा की माँ की छाती को खोदा जा रहा है, तो मैं इस पर चाहूँगा कि ये एक, जब एक हम उसको धार्मिक रूप से माँ नर्मदा को मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें संवेदनशील नहीं है।